अब हम बात करेंगे सिलेक्ट कमांड से रिलेटेड। सिलेक्ट कमांड क्या है? सिलेक्ट कमांड को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये आपके डेटा को डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए या आपके डेटा जो टेबल में मौजूद होता है उसको सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे इसका बेसिक सेंटेक्स जो है वो है सिलेक्ट कॉलम। आप कोई कॉलम जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं या सेट ऑफ डिफरेंट कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हैं, लिख देंगे कॉलम नेम्स। उसके बाद फ्रॉम किस टेबल से आप जो है सिलेक्ट करना चाहते हैं, फ्रॉम उस टेबल का नेम दे देंगे तो आपका वो डेटा सेट जो होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, वो स्पेसिफिक स्कीमा जो होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक और मेथड है, आप सारे के सारे डेटा सेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपने टेबल क्रिएट किया है। उसके लिए आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं टू सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट स्टार फॉर ऑल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। आप यहाँ पे टेबल का नेम दे देंगे और स्टार लगा देंगे तो स्टार की वजह से इस टेबल में मौजूद सारे का सारा डेटा जो होगा वो आपको आउटपुट के तौर पे शो हो जाएगा। हमने वो सैंपल डेटा जो था वो सारा लिख लिया है। अब इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट हो गया जी, ये क्रिएट टेबल हो गया है। इंसर्ट इन स्टूडेंट्स में जो ये जो वैल्यूज हैं इनको हम करते हैं, ये भी हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट देखते हैं, सिलेक्ट नेम, नेम ग्रेड एंड सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मेरा डेटा जो है यहाँ पे नेम ग्रेड और सिटी के हवाले से। अब यहाँ पे अगर मैं मार्क्स भी ऐड करना चाहूँ, मार्क्स इसको एग्जीक्यूट करूँ तो एग्जीक्यूट करने पे ये मुझे नेम में मार्क्स ग्रेड और सिटी के हवाले से टेबल शो कर देगा। लेट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट करना चाहूँ, एग्जीक्यूट करने पे फ्रॉम स्टूडेंट और इसको एग्जीक्यूट करने पे ये मुझे सारे का सारा डेटा सेट जो है इस टेबल का वो शो करवा। इस तरीके से हम सेलेक्ट कमांड को यूज करते हैं।